पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन औसतन रहा। अब तक खेले गए टूर्नामेंट में भारत ने 5 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने जसप्रीत बुमराह को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि जस्सी मुझे नहीं झेल पाएंगे। क्या है पूरा मामला, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल एक वीडियो में उनसे सवाल पूछा गया कि भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में झंडे क्यों नहीं गाड़ पाते हैं। इसका जवाब देते हुए साइना ने बताया कि हमारे देश में खिलाड़ियों को अधिक फैसिलिटी नहीं मिल पाती। अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी अपनी फील्ड का चैंपियन होता है। बुमराह की गेंदबाजी के आगे मैं बल्लेबाजी नहीं कर सकती, और अगर वह मेरे साथ बैडमिंटन खेलेंगे तो शायद वह मेरा स्मैश नहीं झेल पाएंगे। आगे साइना नेहवाल ने वीडियो में भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन न करने की असली वजह भी बताई। नेहवाल के मुताबिक हमारे खिलाड़ियों को अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है, जबकि विदेशी खिलाड़ियों को खूब सुविधाएं मिलती हैं। भारत में क्रिकेट एकेडमी हर जगह है, लेकिन अन्य स्पोर्ट्स के लिए प्रशिक्षण की कमी है, और शायद यही वजह है कि अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया मेडल जीतने की रेस में काफ़ी आगे दिखाई देते हैं और भारत इनमें पीछे है। हमें खेलने के लिए फीस नहीं मिलती, लेकिन दूसरे देश में खिलाड़ियों को खेलने के लिए पैसे मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बात करें तो बुमराह इन दिनों आराम पर चल रहे हैं। हाल ही में खेले गई 3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज के लिए उन्होंने आराम मांगा था। बोर्ड ने भी उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए आराम दे दिया था। T20 विश्व कप 2024 में बुमराह ने भारत के लिए दमदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में विरोधी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और साथ में खूब दबाव भी बनाया। विश्व कप में उन्होंने खेले 8 मैच में 15 विकेट लेकर अपने नाम किया। बता दें कि भारत का राष्ट्रीय खेल भले ही हॉकी है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल में जो खेल बसता है उसका नाम क्रिकेट है। अन्य एथलीट्स के मुकाबले क्रिकेटर्स कमाई के मामले में कहीं ज्यादा आगे हैं। वहीं उन्हें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी मिलती हैं। यही बात भारत की स्टार बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल को पसंद नहीं आ रही। हाल ही में एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उनका गुस्सा भी इस मुद्दे पर निकला। बातचीत के दौरान साइना नेहवाल ने बताया कि हमें खेलने के लिए क्रिकेटरों की तरह कोई फीस नहीं मिलती। भारत में हर जगह आपको क्रिकेट एकेडमी देखने को मिलेगी, जबकि बैडमिंटन के लिए ऐसा नहीं है। ऐसे में अच्छे प्लेयर्स कैसे तैयार होंगे? चीन, अमेरिका जैसे देशों के एथलीट्स 100-100 मेडल्स क्यों जीत कर लाते हैं? क्योंकि उन्हें वे सभी सुविधाएं मिलती हैं जो हमारे यहाँ क्रिकेटर्स को दी जाती हैं। हमें भी ये सब मिलेगा तो भारत भी 100 से ज़्यादा मेडल जीत कर लाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।